तो ट्रांसफार्मर का जो फंडामेंटल चित्र है वो कुछ ऐसा दिखता है। पहले उसको बनाया जाएगा कि ये कोई कोर है, इसको कोर बोलते हैं, जो जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया जाता है, और इस कोर पर हम लपेट रहे हैं प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल्स। तो यहाँ पर मैंने लपेट दी प्राइमरी कॉइल्स ऐसा कुछ, और यहाँ पर एक और कॉइलिंग कर दी जिसको सेकेंडरी बोल रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है जी। तो दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने एक सोर्स जोड़ रखा है, एसी सोर्स, तो प्राइमरी में एक एसी सोर्स जोड़ रखा है ऐसा, ठीक है। सेकेंडरी में कोई सोर्स नहीं जोड़ रखा है, सेकेंडरी में केवल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, या कह लीजिए कि इन दो पॉइंट के अक्रॉस आउटपुट लूंगा मैं। अब होगा ये कि करंट इसमें फ्लो करेगा, इसमें कोई सोर्स नहीं जोड़ा हुआ है, पर इसमें करंट अपने आप चलने लगेगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ये कोई बहुत जादू वाली बात नहीं है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है ना। तो चूंकि एसी करंट है, करंट समय के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, तो चूंकि करंट समय के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पूरे स्पेस में वो समय के साथ फ्लक्चुएट करेगी। ये भाई साहब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में नहा रहे हैं, तो क्या इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो समय के साथ फ्लक्चुएट करेगा, हैंस इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, क्लोज लूप है, करंट बहने लगेगा, कोई जादू वाली बात नहीं हुई है। क्या चीज सोलेनोइड कहाँ है, आइडियल सोलेनोइड कब काम है इसको, है ना, आइडियल सोलेनोइड तो है ही नहीं है। ये तो एक तरह का फ्रेम है जिस पर तार कहीं तो कसने पड़ेंगे ना, मेटल का आयरन का जनरली, है ना, ठीक है, ऐसा, ठीक, समझ में आती बात हमें। तो बेसिकली प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस्ड इफेक्ट पैदा करेगी, जैसा कि म्यूचुअल इंडक्शन के हर एग्जाम्पल में होता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन का ही एग्जाम्पल है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सही है। और जैसे म्यूचुअल इंडक्शन हर एग्जाम्पल में प्राइमरी सेकेंडरी होता है, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट, ठीक। अच्छा जी, अब हम एक अजम्पशन करेंगे जो हम सभी ट्रांसफॉर्मर्स के लिए वैलिड है ऐसा सोचेंगे, और वो अजम्पशन है कि प्राइमरी के एक टर्न के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, प्राइमरी के एक टर्न का जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी के एक टर्न का फ्लक्स। ये मैंने अज्यूम कर लिया है, वो जो तुम प्रॉब्लम उठा रहे हो वो भी इस अजम्पशन से खत्म होती है। मैंने अज्यूम कर लिया है कि प्राइमरी के एक टर्न में जो फ्लक्स है वैसा ही फ्लक्स सेकेंडरी के एक टर्न में होगा, और इस अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन रही हैं, और इसीलिए वो आयरन कोर है ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर कन्फाइंड रहे। सीखा था हमने शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग सीखा था कि अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे दोगे तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर आ जाएंगे। तो ये आयरन कोर दिया ही इसीलिए सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर अंदर में रहे, सो दैट जितना फ्लक्स, जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक इसके एक टर्न के साथ है उतना ही उसके एक टर्न के साथ होगी। समझ में आती बात आपको, ऐसा सिचुएशन जनरेट कराया, ठीक है। मान लेते कोई कह नहीं सर अभी भी मेरे को तो नहीं समझ में आई बात कि क्या हो रहा है, तो ठीक है मैं फिर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बता सकता हूँ ट्रांसफॉर्मर का। आप केवल एक काम करो कि आप एक ऐसा सिलेंडर ले लो खाली, और उस सिलेंडर पर एक तार वाउंड करो ऐसा, और इसी सिलेंडर पर एक दूसरा तार वाउंड करो ऐसा। पिंक वाला जो है वो सेकेंडरी है, येलो वाला जो है वो प्राइमरी है। अब तो हो जाएगा ना फ्लक्स है, अब तो हो जाएगा भाई, है ना। तो प्राइमरी वाले में एक बैटरी जोड़ दो और सेकेंडरी वाले को ये अक्रॉस आउटपुट ले लो। ये भी ट्रांसफॉर्मर ही है ना। कभी किसी ने अगर कोई छोटी मोटी मशीन खोली हो तो उसमें ऐसा ही एक ऐसा सिलेंडर जैसा, उस पर तार लपटे हुए हैं बहुत सारे, इट्स बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मर। प्रैक्टिकल होता है ये, यूजफुल है ना, करेक्ट है। और बड़े स्केल पर अगर बात करेंगे तो फिर उसके लिए बड़ा अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, वो ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा है। ये फ्रेम तो क्लोज्ड है, अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, अब बाहर होंगे लॉसेस डेफिनेटली होंगे, पर अंदर तो होंगे ही होंगे ना ऐसे। और ये ऐसे भी अजम्पशन है तो सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली इसको, ये तो अज्यूम ही कर लिया मैंने, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। जहां भी हमें अपना पिंड छोड़ाना हो हम अज्यूम कर लेते हैं, अब आर्ग्यू कहां से करोगे, मैंने तो अज्यूम किया हुआ है। मेरी बात तब वैलिड होगी जब पहले इसको मानो, नहीं तो मैं तो चुप हूं, मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, पहले ही मेरा अजम्पशन है, ठीक है जी। तो अजम्पशन को तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कभी भी, ठीक, ऐसा है, इससे हमारी जिंदगी इजी हो जाती है, ऐसा है। नाउ तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी के एक टर्न इज इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी का वन टर्न, वन वन टर्न के फ्लक्स बराबर। तो खेल किस चीज का होने वाला है, खेल होने वाला है नंबर ऑफ टर्न्स का। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग हो सकते हैं, तो प्राइमरी में
नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट अस से एन पी, और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट अस से वो हैं एन एस, एन एस, सही है, करेक्ट है। अब अगर मैं प्राइमरी का टोटल फ्लक्स लिखूं, फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी, टोटल टोटल फ्लक्स अगर प्राइमरी का लिखूं तो क्या वो हो जाएगा, एनपी इंटू फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन टन, उसको फाइव मान लिया मैंने, सही बात है भाई। और ऐसे ही अगर मैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी लिखूं, टोटल टोटल टोटल, तो क्या वो हो जाएगा, एन एस इंटू फाइव, बिल्कुल सही बात है। और अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर दूं, इसको और इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि प्राइमरी का जो जो ईएमएफ है या प्राइमरी का जो वोल्टेज है, दैट कैन बी रिटन एज एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी, एन पी इंटू डी फाइव बाई डी टी, और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है ई एस जिसको हम बोलेंगे, दैट इज एन एस इंटू डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, क्योंकि अपन ने पहले ही अज्यूम किया हुआ है फाई का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू भी दोनों के लिए सेम होगा। हैंस दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के। के की वैल्यू क्या है, वन से बड़ी है कि वन से छोटी है, उसके बेसिस पर दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन। के का वैल्यू अगर वन से बड़ा हो गया तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कर सकता है, बढ़ा सकता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज घटा सकता है। तो मुझे 220 से 1000 वोल्ट चाहिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और 1000 से 220 चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, हमें दोनों तरह के ट्रांसफार्मर्स की जरूरत पड़ती है। तो K की क्या वैल्यू है, K ग्रेटर देन 1 अगर है तो ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज स्टेप अप, हेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्लियरली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, क्लियरली है ना। वेयर एज K का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। दो तरह के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, पहले तरह का ट्रांसफार्मर और दूसरे तरह का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन। पानी मंगाओ, तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब कई सारे सवाल मेरे मन में घूमने चाहिए कि साला ये सब नाटक करने की जरूरत क्या है, काहे को स्टेप अप करो, काहे को स्टेप डाउन करो, ऐसे जिंदगी क्या कम चले गए, ऐसे रहो, ये सब नाटकों में पढ़ना क्यों, पहला, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई घरों में एसी की सप्लाई होती है क्यों, डीसी की क्यों नहीं होती है, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। उनमें से एक आंसर ये है कि एसी करंट को बहुत आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन कराया जा सकता है, और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, पर उसमें से एक आंसर ये भी है कि एसी को बहुत आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कराया जा सकता है, क्योंकि एसी करंट बाय डिफॉल्ट वेरिएबल करंट है, डीसी को वेरिएबल तो करवाना पड़ेगा, एसी तो है ही वेरिएबल, है ना। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू स्टेप अप और स्टेप डाउन बहुत ही आसानी से, बहुत नेचुरल है एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करना, ये एक उसका एक वैलिड आंसर है, एक लॉजिकल आंसर है, मतलब कुछ तो लफड़ा है इसका, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन को इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्यों को फायदा क्या है और क्यों करना पड़ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि भाई ट्रांसफॉर्मर है ही क्यों, जरूरत ही क्या है इसकी, बात को समझना। और बात यह है, पहले तो कॉपी कर लो आराम से, तो बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जहां होता है, पावर हाउसेस या जहां पर, जहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, दैट इज नॉट सबस्टेशन, जहां पैदा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पावर प्लांट जिसको हम कह सकते हैं, पावर प्लांट्स वो तो कुछ ही जगहों पर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई
हर जगह पर करनी है, गांव में भी करनी है, शहरों में भी करनी है ना, हजारों किलोमीटर दूर भी करनी है। कैसे करोगे? तारों के थ्रू जाएगी, हवा में उड़ के तो जाएगी नहीं, वायर्स के थ्रू जाएगी। तो उन वायर्स में जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, जो हाईवे पर हमारे साथ साथ चलते हैं, गाड़ी में जाओ तो हाई टेंशन वायर्स नहीं चलते हैं, ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं, खेतों में वो गड़ा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर और ऊंच पर हाई टेंशन वायर्स जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए तो हैं, सही बात है। तो चूंकि हर जगह तो पावर स्टेशन हो नहीं सकते हैं, पावर प्लांट हो नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तरीके बहुत लिमिटेड हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के। भाई या तो फ्लोइंग वाटर चाहिए, या विंड मिल के थ्रू हो सकता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू हो सकता है। तो हर गांव का, हर मोहल्ले का अपना पावर प्लांट तो हो नहीं सकता कि मेरा अपना पर्सनल न्यूक्लियर पावर प्लांट आप तो पूरे हिंदुस्तान के, आप तो पूरी दुनिया ही उड़ा दोगे ऐसे, तो है ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो इलीगल है, क्योंकि वो खतरनाक चीज़ है बहुत ज़्यादा। आप खुद तो मरोगे ही मरोगे और सब अपने आसपास वालों को मार दोगे। उनका क्या दोष था, वो तुम्हारे घर के पास में रह रहे थे, उनको क्या पता था कि ये सन की साइंटिस्ट है है ना, उनका तो कोई दोष नहीं था, वो फालतू मर गए, उनकी कुर्बानी जाया गई जाया ठीक। तो इस वजह से ऐसी जो भी चीजें हैं उनको सरकार रेस्ट्रिक्ट करती है ना। आप ऐसे कोई भी जाके केमिकल नहीं खरीद सकते कि लाओ मुझे 10 बोरी RDX दे दो है ना, ऐसे नहीं खरीद सकते। दो केमिकल का यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहां केमिकल का यूज होता है और काफी खतरनाक केमिकल्स का भी यूज होता है, पर इट इज नॉट एज सच फ्री कि कोई भी जाके खरीद सकता है। उसके लिए यू हैव टू प्रोक्योर लाइसेंसेस वगैरह वगैरह वगैरह, सो दैट वो रेस्ट्रिक्टेड रहे, सो दैट कोई भी ऐसे पागल आदमी लेके ये ना कर दे, नाटक ना कर दे या मुश्किल पैदा ना कर दे। इलेक्ट्रिसिटी भी उन्हीं चीजों में से एक है, जो है तो बहुत यूजफुल पर बहुत खतरनाक भी है, तो उसका उसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा हमें, ठीक। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, देयर वुड बी फ्यू पावर प्लांट्स एट फ्यू लोकेशंस एंड देन यू हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी वाया वायर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, दूर दूर गाँव में, शहरों में दूर दूर भेजना होगा। जस्ट थिंक अबाउट उन वायर्स का रेजिस्टेंस और रास्ते में होने वाला पावर लॉस, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर उस पावर लॉस के लिए कुछ ना किया गया तो जितनी एनर्जी आपने पावर प्लांट से भेजी है वो तो रास्ते में खत्म हो जाएगी, घर तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, पॉइंट क्या निकल रहा है सब करने। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि वी हैव टू मिनिमाइज दी पावर लॉस, जो रास्ते में कनेक्टिंग वायर्स हैं उनमें जो पावर लॉस हो रहा है क्या उसको हम कम से कम करें, है ना, कम से कम करने की कोशिश करें, तो ही कुछ बात बन सकती है। और ऐड करने पड़ेंगे आज तो भाई साहब, हमने आज तो छा गए, कॉपी हो गया ऐसी, हाँ ठीक है, सही है भाई। तो मान लेते हैं ये तो है पावर हाउस और यहाँ से हमें यहाँ पर कहीं कोई घर है, कोई घर यहाँ है, कोई घर यहाँ है, भेजना है हमें, ठीक है जी। तो जो वायर्स के थ्रू जो लॉसेस हो रहे होंगे उसको चेक करना पड़ेगा, इस वायर में करंट जा रहा है उसको चेक करना पड़ेगा, और फंडामेंटली अपन स्क्वायर इंटू आर या IRMS का स्क्वायर इंटू आर ही लिखते हैं, कि पूरे AC में देखा हमने, है ना, करेक्ट है। आर का तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिल्वर के ही तार लगा दें, फिर तो पहुँच गए बिजली पहली बार तो इतना सिल्वर है भी नहीं हमारे पास, और होता भी और लगा भी देते है ना भी, तो मिलेगा ही नहीं लोग तो लोहे का नहीं चुका, तुमने तो सिल्वर चांदी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस वायर की रेजिस्टेंस को एक लेवल से ज्यादा कम नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा किया सकता है कि भाई घोषणा करते हैं सबको पावर हाउस के आसपास ही रहना है, एक के ऊपर एक रहना है, पर रहना यहीं पर है, यू हैव टू चेक दी लॉसेस, ये भी संभव नहीं है, ठीक। तो अब जो बेचारे भाई साहब रह गए हैं वो हैं आई, इसके लिए कुछ कर सकते हैं। हेंस अगर हम करंट को मिनिमम पॉसिबल कर दें तो लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक, समझ में आ रही बात। तो एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऐसे किसी तरीके की जो करंट को कम कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पावर, नहीं तो मैं भेजी कह रहे हो तुम, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पावर मैं करंट को कम कर सकूं, ऐसी किसी चीज की जरूरत है। Hence पावर जिसका फंडामेंटल एक्सप्रेशन है I into V, अब अगर मैं करंट को रिड्यूस करना चाहता हूं तो क्या मुझे वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, ये काम कौन करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मान लेते हैं 1000 V है तो वोल्टेज 1000 गुना हुआ, करंट 1/1000 टाइम्स हुआ, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, करेक्ट है। आइडियल ट्रांसफार्मर जो है, आइडियल ट्रांसफार्मर
आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम ये इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पावर एसोसिएटेड विद प्राइमरी इज इक्वल टू पावर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी, दैट मीन्स देर आर नो लॉसेस, जो कि गलत है वैसे, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, पर मान लें अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की कहानी को सच मान लें तो पावर एसोसिएटेड विद प्राइमरी इज इक्वल टू पावर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी, हेंस करंट इन प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। अभी अभी हमने ये सीखा कि ई एस बाय ई पी का जो वैल्यू है वो है के, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जो कि एन एस बाय एन पी के भी बराबर है, एन एस बाय एन पी के भी बराबर है। क्या इसी कड़ी में एक चीज और जोड़ दें कि ई एस बाय ई पी का जो वैल्यू है दैट इज आई पी बाय आई एस, दैट इज आई पी बाय आई एस, उल्टा हो गया। हेंस सेकेंडरी में जो करंट फ्लो करेगा आई एस दैट वुड बी इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाय के, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज फ्लो करेगा ई एस दैट इज के टाइम्स ऑफ ई पी। बोलो भाई, हेंस के का वैल्यू वन से अगर बड़ा हुआ तो वोल्टेज तो एम्पलीफाई हो जाएगा पर करंट रिड्यूस हो जाएगा, और एक्चुअल ऑब्जेक्टिव वोल्टेज मैग्निफिकेशन का कभी था ही नहीं, एक्चुअल लॉजिक करंट को कम करने का था, एक्चुअल लॉजिक था आई स्क्वायर आर के थ्रू लॉसेस को कम करना, जिसका एक ही तरीका है कि करंट को कम कर दूं मैं किसी तरीके से। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करंट को घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अब पूरी कहानी को सुनना, जहां जहां पावर हाउस है, जहां पावर प्लांट लगा है, वहां जो बिजली पैदा होती है उसका वोल्टेज 220 के आसपास ही होता है। फिर हम जबरदस्ती एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं जबरदस्ती, और उसको 10,000 20,000 30,000 40,000 वोल्ट पर स्टेप अप करते हैं, करंट को उतने गुना रिड्यूस करते हैं, फिर भेजते हैं, भेजा है ना, तो 40,000 की बिजली हाई टेंशन वायर्स में चलते हुए आ रही है, ठीक है, पर आपके घर में तो इक्विपमेंट 220 पर चलेंगे, ठीक है, तो उसको स्टेप डाउन करना होगा, वो भी कई सीरीज में। तो अभी ये सबस्टेशन की बात कर रहा था, हर सिटी के बाहर एक बिजली घर होता है, हर सिटी के बाहर एक बिजली घर होता है, वो बिजली घर क्या करता है देखा भी होगा शायद तुमने, उसमें से ऐसे लंबा सा कुछ होता है और कुछ 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 चीजें रखी होती है अंदर में, है ना, ऐसा बड़ा सा दिखता है। वो बिजली घर करता क्या है, ये जो हाई टेंशन वायर में 40,000 का वोल्ट आ रहा है इसको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से करंट को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है। 40,000 से मान लेते हैं 1,000 वोल्ट किया इस बिजली घर में,